friends, I'm Carol Shehzad. And I'm Abner Rumail. Welcome to our program, Followers of the Christ. So friends, अब हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक है खुदा की फरमाबरदारी। कैरल, अब आप हमें ये बताएं कि खुदा की फरमाबरदारी किसे कहते हैं? खुदा के हुक्मों को मानना और अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारने को खुदा की फरमाबरदारी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बाइबल मुकद्दस में से खुदा की फरमाबरदारी के बारे में एक वर्स सुनेंगे। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करो और उससे डरो, उसके हुक्मों को मानो और उसकी सुनो, और उसकी इबादत करो और उससे लिपटे रहो। तो कैरल, अब आप हमें बताएं कि हमें इस वर्स से क्या लेसन मिलता है? हमें इस वर्स से ये लेसन मिलता है कि हमें खुदा की फरमाबरदारी कैसे करनी है। हमें खुदा के हुक्मों को मानना है और जिन कामों को करने से खुदा ने हमें मना किया है उनसे दूर रहना है और खुदा से डरते रहना है। हमें हमेशा खुदा की आवाज़ को सुनना है और हर हाल में उसके करीब रहना है। फ्रेंड्स, जब हम पाक कलाम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नबियों ने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा की फरमाबरदारी में गुजारी। जैसे कि अगर हम बाप इब्राहिम की ज़िंदगी पर गौर करें तो हम देखते हैं कि वो खुदा के इतने फरमाबरदार थे कि जब खुदा ने उनसे उनके बेटे इसहाक की कुर्बानी मांगी तो वो अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह अगर हम हजरत नूह की ज़िंदगी पर भी गौर करें तो हम देखते हैं कि उन्होंने और उनके ख़ानदान ने खुदा की फरमाबरदारी की, जिसका फल उनको ये मिला कि जब तूफान की वजह से सब इंसान मर गए तो वो जिंदा बचे। इसी तरह जब हम अय्यूब नबी की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि अय्यूब नबी की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं, यहाँ तक कि उनके ज़ख्मों पर कीड़े भी पड़ गए, लेकिन वो खुदा के फरमाबरदार रहे, जिसकी वजह से गॉड ने उनकी ब्लेसिंग्स डबल ट्रिपल कर दी। अगर हम मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी पर भी गौर करें तो हम देखते हैं कि वो खुदा की फरमाबरदार रहीं और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को खुदा के हुज़ूर पेश कर दिया। इसी तरह अगर हम अपने खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो हम देखते हैं कि वो खुदा बाप के इतने फरमाबरदार थे कि उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सो फ्रेंड्स, हम दुआ करते हैं कि आज के पाक कलाम के वसीला से हमने जो कुछ भी सीखा हम उस पर अमल करें और फरमाबरदारी के साथ खुदा की पैरवी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।